एग्रीमेंट फॉर नाउन्स एंड प्रोनाउन, ये टेस्ट प्रिपरेशन में इस्तेमाल होने वाली ग्रामर का एक अहम टॉपिक है और इससे रिलेटेड या इस पर बेस करते हुए क्वेश्चंस आपको अक्सर टेस्टों में नजर आएंगे। तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज एग्रीमेंट एंड व्हाट इज एग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। इन ग्रामर, एग्रीमेंट रेफर्स टू वर्ड दैट चेंज फॉर्म डिपेंडिंग ऑन अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। यानी कि इस एग्रीमेंट से मुराद ये है कि सेंटेंस में कोई एक वर्ड अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है दूसरे के चेंज की वजह से। यानी कि एक वर्ड में चेंज की जाए तो उससे रिलेटेड दूसरा वर्ड भी चेंज हो जाता है, इसको हम कहते हैं एग्रीमेंट। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज प्रोनाउन एग्रीमेंट। सबसे पहले देखें कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट टेक प्लेस ऑफ ए नाउन, जो किसी नाउन को रिप्लेस करता है। कोई एक बड़ा पैराग्राफ लिखा जाए और उसमें एक शख्स या किसी चीज का जिक्र है, तो फर्स्ट सेंटेंस में किसी जगह उसका नाम आता है और नेक्स्ट सेंटेंस में हम उसको रिप्लेस करते हैं उसके प्रोनाउन से। क्योंकि अगर हम बार बार हर सेंटेंस में उसका जिक्र करेंगे और उसका नाम लिखा जाएगा चीज का या उस पर्सन का, तो वो बड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि बार बार एक ही नाम रिपीट हो रहा है, तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं उसके प्रोनाउन से। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट टेक प्लेस ऑफ ए नाउन एंड एन एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट वो वर्ड है जो इस प्रोनाउन को रिप्लेस करता है। यानी कि इस सेंटेंस में देखें, द गर्ल वॉज प्लेइंग विद ए बास्केटबॉल, शी थ्रू इट एट हर सिस्टर। तो आप देखें कि यहाँ सब्जेक्ट है गर्ल और ये एक नाउन है, और सेकेंड सेंटेंस में बजाय इसके कि हम दोबारा द गर्ल लिखते और अगर कोई नेक्स्ट सेंटेंस आता तो उसमें भी फिर द गर्ल तो बार बार रिपीट होता, उस ऑकवर्डनेस से बचने के लिए हम उसकी जगह प्रोनाउन यूज कर रहे हैं शी। अब ये शी प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट क्या है? ये गर्ल, यानी कि जिसके लिए ये यूज हो रहा है। इसमें और देखें तो इट भी प्रोनाउन है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है या रिप्लेस कर रहा है बास्केटबॉल को। यानी कि इट प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट है बास्केटबॉल। हर भी यहाँ पर प्रोनाउन है, पोजेसिव फॉर्म में है और ये इसी गर्ल के लिए आ रहा है, यानी कि इसका एंटीसीडेंट भी ये गर्ल है। ये हर प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट है ये गर्ल। तो आप देखें कि इस सेंटेंस में तीन प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं, शी, इट एंड हर। तीनों की डिफरेंट फॉर्म है। शी एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ, इट बास्केटबॉल बेजान चीज को रिप्लेस कर रहा है, और हर पोजेसिव फॉर्म है, हर सिस्टर इस गर्ल की सिस्टर। तो ये तीनों प्रोनाउन डिफरेंट फॉर्म में है। तो प्रोनाउन को वैसे भी हम थ्री फॉर्म्स में एग्री कराते हैं। देर आर थ्री वेज इन विच प्रोनाउन मस्ट एग्री, जेंडर यानी कि मेल और फीमेल के लिहाज से, नंबर तादाद के लिहाज से, और केस उनकी पोजिशन के लिहाज से। अब हम इनको देखते हैं बारी बारी तीनों फॉर्म्स को। जेंडर, जेंडर से मुराद मेल और फीमेल। प्रोनाउन मस्ट एग्री इन जेंडर विद देयर एंटीसीडेंट, यानी कि जो एंटीसीडेंट और प्रोनाउन है ये एग्री होने चाहिए, यानी कि एग्रीमेंट में होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू जेंडर। यानी कि अगर प्रोनाउन इसमें मेल है तो उसका एंटीसीडेंट भी मेल होना चाहिए। इसी तरीके से अगर प्रोनाउन फीमेल है तो उसका एंटीसीडेंट भी फीमेल हो। सर्टन प्रोनाउन रेफर टू फीमेल्स एंड अदर रेफर्स टू मेल, क्योंकि प्रोनाउन जाहिर सी बात है मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। यू कैन नॉट यूज ए फीमेल प्रोनाउन इफ एंटीसीडेंट इज मेल एंड वाइस वर्सा। अब इस सेंटेंस में देखें, द गर्ल वॉज प्लेइंग विद बास्केटबॉल, ही थ्रू इट एट हिज सिस्टर। अब आप यहाँ देखें कि गर्ल इज ए फीमेल और इसके लिए जो प्रोनाउन आ रहा है वो मेल है, तो ये गलत है। यहाँ पर फीमेल प्रोनाउन शी आना चाहिए था। इसी तरीके से हिज, ये पोजेसिव प्रोनाउन है और ये मेल है, जबकि यहाँ पर फीमेल आना चाहिए था हर सिस्टर, क्योंकि ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, किसको रिप्लेस कर रहा है, इसका एंटीसीडेंट है गर्ल जो के फीमेल है। फीमेल के लिए फीमेल प्रोनाउन आना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर भी हर आएगा। नंबर, द प्रोनाउन मस्ट एग्री विद देयर एंटीसीडेंट इन नंबर, प्लूरल और सिंगुलर के लिहाज से। अगर प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो एंटीसीडेंट भी सिंगुलर होगा, अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर होगा तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि नंबर में इनको एग्री करना चाहिए। कुछ प्रोनाउन प्लूरल को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ सिंगुलर को, मसलन ही ये सिंगुलर है लेकिन दे ये प्लूरल है। इसी तरीके से शी ये रिप्रेजेंट करता है सिंगुलर को,
तो दे इनके लिए भी इस्तेमाल होगा और ये प्लूरल फॉर्म है. तो आप एग्जांपल देखें, द डॉग चेजेस हिज डॉग हिज टेल. अब ये हिज ये सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसका एंटीसीडेंट डॉग भी सिंगुलर है. इसी तरीके से यहां अगर हम देखें देयर, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए इसका एंटीसीडेंट डॉग्स प्लूरल फॉर्म में है. यानी कि प्रोनाउन और उसका एंटीसीडेंट या एंटीसीडेंट उसका प्रोनाउन, ये दोनों, यानी कि प्रोनाउन और उसका एंटीसीडेंट या एंटीसीडेंट और उसका प्रोनाउन, ये एग्री करना चाहिए नंबर में. प्लूरल फॉर्म के लिए प्लूरल फॉर्म होंगी दोनों की, और सिंगुलर के लिए सिंगुलर फॉर्म होंगी दोनों के लिए. फिर आते हैं केस. अब केस से मुराद है पोजीशन, यानी कि वर्ड किस पोजीशन में इस्तेमाल हो रहा है. सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, पोसेसिव फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है. ये तीन इसके केसेस हैं. तो प्रोनाउन मस्ट एग्री विद देयर एंटीसीडेंट इन केस. केस के लिहाज से भी इनको एग्री करना चाहिए. सब्जेक्ट प्रोनाउन She, he, I, you, we, they, it. ये तमाम सब्जेक्ट प्रोनाउन है, यानी कि ये सब्जेक्ट की पोजीशन पर आएंगे. सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि डूअर. She threw it at her sister. तो she यहाँ पर डूअर है, ये परफॉर्म कर रही है कोई एक्शन, इसलिए इसकी सब्जेक्ट फॉर्म, इसलिए ये सब्जेक्ट केस में है. फिर ऑब्जेक्ट एंड पोजेसिव प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट एंड पोजेसिव कैन फॉल समवेयर एल्स इन द सेंटेंस अदर देन द सब्जेक्ट पोजीशन. सब्जेक्ट पोजीशन के अलावा ये किसी भी जगह पर आ सकते हैं. तो ऑब्जेक्ट और पोजेसिव, एग्जाम्पल देखें, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं मी, यू, अस, देम, हिज, हर, इट, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आते हैं. पोजेसिव प्रोनाउन माई, यूअर, आवर, देयर, हिज, हर, इट्स, क्योंकि ये पोजेशन को शो करते हैं, मलकियत को शो करते हैं. माई डॉग, यूअर होम, तुम्हारा घर, आवर फैमिली, हमारी फैमिली, यानी कि पोजेशन को शो करते हैं. तो आप इस सेंटेंस में देखें, आई गेव देम देयर बुक्स, इसमें आई डूअर है, ये काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट आ गया. और रिसीव कौन कर रहा है, गेव देम, किनको दिया, देम, ये ऑब्जेक्ट है. देयर बुक्स, देयर पोजेसिव फॉर्म है. इस सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव. अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एमसीक्यू फॉर्म्स में. इट इज लाइकली दैट यू एंड आई विल नॉट इरिटेट शी एंड जॉन एज दे आर वेरी टॉलरेंट पीपल. अब इसमें अंडरलाइन पोर्शन है ये, इसमें प्रोनाउन एंटीसीडेंट की कोई गलती होगी जो हमने इंडिकेट करनी है. यू एंड आई विल नॉट इरिटेट, इसका मतलब है ये दोनों सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. इरिटेट वर्ब है. शी एंड जॉन, अब यहां पर शी एंड जॉन ये ऑब्जेक्ट हैं दोनों, और यू एंड आई यहां पर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं. तो देखें कि यू सब्जेक्टिव फॉर्म है और आई भी सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसलिए ये तो सही है. शी एंड जॉन ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म होनी चाहिए, तो यहां पर शी जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है. शी यहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है. जॉन यहां पर नाउन है, इसलिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों फॉर्म सेम रहेंगे. किसी पर्सन का नेम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है. यहां पर प्रोनाउन है शी, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं है. यहां पर आना चाहिए हर, ऑब्जेक्ट फॉर्म. तो देखें जो ऑप्शन हमें दिए गए उनमें देखते हैं. You and I will not irritate she and John. ये तो same to same है, और इसमें गलती मौजूद है जो हमने indicate की हुई है कि she objective form होनी चाहिए. B option है you and me. ये me जो है objective form में चला गया, जबकि ये subjective form में होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत है. You and I ठीक है. Will not irritate John and her. Yes, यहाँ पर ये objective form आ गया, और इसका order भी सही हो गया, क्योंकि person का name पहले आता है और प्रोनाउन बाद में आते हैं. यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ गई जो कि गलत है. यू एंड माई सेल्फ ये भी गलत है. तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है सी. यू एंड आई दोनों सब्जेक्ट फॉर्म है, और जॉन एंड हर ये दोनों ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं. तो शी नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर हर होना चाहिए था ऑब्जेक्ट के तौर पर. इट इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द एम्प्लॉय हैंडबुक दैट ऑल वर्कर मस्ट सप्लाई his or her own steel toed shoes. अब आप यहाँ देखें कि all workers must supply his. अब worker जो है वो plural है, लेकिन his or her pronoun है, इसका जो antecedent है वो workers. Workers plural है,
तो ये सिंगुलर में कैसे आ सकते हैं, ये भी प्लूरल होने चाहिए। यहाँ पर आएगा दैट ऑल वर्कर मस्ट सप्लाई देयर ओन स्लीव रोड शोज, दैट ऑल वर्कर मस्ट सप्लाई देयर ओन, क्योंकि ये सिंगुलर आ रहा है जबकि इसका एंटीसीडेंट प्लूरल है, इसलिए इसको देयर होना चाहिए। तो आप ऑप्शंस में देखते हैं, ए तो सेम टू सेम होता है इसलिए इसको छोड़ दें क्योंकि हम गलती आइडेंटिफाई कर चुके हैं। बी ऑप्शन दैट ऑल वर्कर मस्ट सप्लाई वंस, नो, वंस सिंगुलर है और ये पोजेसिव है इसलिए ये तो नहीं आ सकता। सी दैट ऑल वर्कर मस्ट सप्लाई देयर ओन, यस ये पॉसिबल है जो हमने आइडेंटिफाई किया है। इसके अलावा डी को देखें, दैट ईच वर्कर, ये सेंटेंस में चेंज की जा रही है जबकि यहाँ पर ऑल इस्तेमाल हो रहा है, ईच वर्कर मस्ट सप्लाई दे आर, ये भी फॉर्म चेंज कर दी है, दैट ईच वर्कर मस्ट सप्लाई देयर ओन। अब यहाँ पर वर्कर सिंगुलर है और उसका जो प्रोनाउन आ रहा है उसके लिए वो प्लूरल है, यानी कि इस सेंटेंस में रिवर्स कर दिया, गलती फिर भी मौजूद है इसलिए इसको भी करेक्ट नहीं कहा जा सकता। तो ऑप्शन सी को अगेन देखें, ऑल वर्कर्स प्लूरल और इसके लिए प्रोनाउन है देयर, यस ये एंटीसीडेंट प्लूरल, प्रोनाउन भी प्लूरल और पोजेसिव फॉर्म में है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। Neither the supervisor nor the employee expressed his own objection on the schedule at the time it was posted. तो आप इसमें देखें कि conjunction इस्तेमाल हो रही है neither nor की, तो इसमें nor के बाद जो है वो है the employees, हमने इसके लिहाज से sentence को मजीद आगे लेकर चलना है। आप neither से लेकर यहाँ तक बेशक ignore कर सकते हैं क्योंकि sentence ने nor के बाद जो मौजूद subject है उसके साथ agreement बनाना है। तो यहाँ पर है द इम्प्लॉइज, ये प्लूरल है, इम्प्लॉइज प्लूरल फॉर्म है, लेकिन उसके बाद उसके लिए जो सब्जेक्ट आ रहा है वो है हिज जो कि सिंगुलर है इसलिए ये गलत है। हिज का एंटीसीडेंट प्लूरल है या इम्प्लॉइज प्लूरल है और इसके लिए जो प्रोनाउन आ रहा है वो सिंगुलर है, ये गलती है इसमें। तो इसको देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये तो सेम टू सेम है और हम गलती आइडेंटिफाई कर चुके हैं इसलिए ये करेक्ट नहीं हो सकता। यहां पर वंस ऑब्जेक्शन शेड्यूल एट द टाइम इट वाज पोस्टेड, तो ये प्लूरल के लिए सिंगुलर पोजेसिव नहीं हो सकता। एक्सप्रेस हिज और हर ऑब्जेक्शन, हिज और हर दोनों सिंगुलर हैं इसलिए ये भी नहीं आ सकते क्योंकि इंप्लाइज प्लूरल है। एक्सप्रेस देयर ऑब्जेक्शन, यस प्लूरल के लिए प्लूरल आना चाहिए था और हिज की जगह पर देयर होगा। ऑब्जेक्शन टू दिस स्केड्यूल एट द टाइम इट वाज पोस्टेड, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑल्दो द बास्केटबॉल टीम यूज्ड देयर स्टार प्लेयर्स द मैच वाज लॉस्ट, बास्केटबॉल टीम ये सिंगुलर है, बेशक ये मुश्तमिल होती है ग्रुप ऑफ पीपल पर, लेकिन उसके बावजूद टीम हम काउंट करेंगे, हम पीपल को नहीं देख रहे जिस पर ये मुश्तमिल है, हमने टीम देखनी, टीम इज सिंगुलर और यहाँ पर इसके लिए जो प्रोनाउन आ रहा है वो है देयर, यानी कि देयर प्लूरल है और इसका एंटीसीडेंट सिंगुलर है इसलिए इसमें एग्रीमेंट की गलती मौजूद है। तो आप च्वाइसिस में से देखें तो ए तो हो नहीं सकता क्योंकि ये सेम टू सेम रिपीट होता है और हम गलती आइडेंटिफाई कर चुके हैं इसलिए ये सही नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है द बास्केटबॉल टीम यूज्ड इट्स स्टार प्लेयर्स ऑल्दो, द बास्केटबॉल टीम यूज्ड इट्स, यस ये पॉसिबल है क्योंकि इट्स जो है यहाँ पर देयर प्लूरल था, इसकी जगह सिंगुलर इट्स आ सकता है। सी को देखें, द बास्केटबॉल टीम यूज्ड देयर, ये नहीं हो सकता। ऑल्दो द स्टार प्लेयर्स वर यूज बाय, और इसको खाम खा पैसे वाइज भी बना दिया गया जो कि गलत है। ऑल्दो द बास्केटबॉल टीम यूज इट्स स्टार प्लेयर, अब यहां पर भी इट्स है, इसका मतलब है अब हम इस दोनों को चेक करते हैं कि इनमें और मजीद चेंज क्या है, क्योंकि या तो ये सही होगा या ये सही होगा क्योंकि इसमें इट्स इस्तेमाल हो रहा है जिसका एंटीसीडेंट सिंगुलर है और ये इट्स भी पोजेसिव फॉर्म में सिंगुलर है, यहां पर भी इट्स है और बास्केटबॉल टीम सिंगुलर है जी, इसमें ऑल्दो एंड पर लगा दिया गया और यहां पर ऑल्दो शुरू में है। अब द बास्केटबॉल टीम यूज्ड स्टार प्लेयर ऑल्दो द मैच वाज लॉस्ट, लेकिन ये स्टार्ट में आना चाहिए,
इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई। ए स्टूडेंट शुड ऑलवेज हैव एक्सेस टू देयर नोट्स। अ स्टूडेंट, यहां पर है देयर, ये है प्लूरल प्रोनाउन और इसका एंटीसीडेंट है स्टूडेंट जो के सिंगुलर है। यहां पर क्या आना चाहिए, या तो ये स्टूडेंट्स होता या फिर यहां पर हिज आना चाहिए। तो आप देखें चॉइसेस में, ये तो सही हो नहीं सकता, इट्स नोट्स, इट्स नहीं आएगा, हिज और हर नोट्स, यस दिस इज पॉसिबल, इट्स नहीं आएगा, वंस नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखें आपके हिज और हर नोट्स, और का मतलब है ये सिंगुलर ही रहेगा, हिज और हर, तो यहाँ पर हिज और हर आ सकता है क्योंकि स्टूडेंट मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो इसलिए सिंगुलर हमने इस्तेमाल करना था प्रोनाउन, तो यहाँ पर प्लूरल था, उसकी जगह सिंगुलर क्या होगा स्टूडेंट के लिए, हिज, और ये हर भी हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। और ये थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसमें आपने देखा कि हम एंटीसीडेंट और उससे रिलेटेड प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करते हैं। आपको इस टॉपिक पे ग्रिप होनी चाहिए क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको अक्सर टेस्ट में नजर आएंगे, और इसमें ग्रिप हासिल करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है क्योंकि टॉपिक बहुत आसान है, आपको ये आइडेंटिफाई हो जाता है। बाज़ का ठीक है कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, खासतौर पर लेंथ इंक्रीज हो जाए सेंटेंस की और उसमें ज्यादा वर्ड्स यूज हो रहे हो तो अक्सर कंफ्यूजन पैदा होती है कि कौन सा प्रोनाउन और कौन सा एंटीसीडेंट, खासतौर पर जब मल्टीपल एंटीसीडेंट्स हो और जब मल्टीपल प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहे हो। लेकिन बहरहाल ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, आप इसको आसानी से समझ भी गए होंगे और ये आपके लिए प्रॉब्लम भी नहीं करेगा, लेकिन ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन है जब आपने इसकी प्रैक्टिस की।